नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई और नीतीश तेजस्वी के संबंधों से जुड़ी हुई एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार जब से तेजस्वी के साथ नए सिरे से शुरुआत किए हैं, तब से एक बात को लेकर चर्चा है कि आखिर तेजस्वी ही बार बार कुर्बानी क्यों दे रहे हैं और तेजस्वी यादव नीतीश को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अब उसका जवाब भी आ चुका है और नीतीश तेजस्वी के साथ जो संबंध बने हैं, शायद ये संबंध अटूट है, इसीलिए अब पीछा छुड़ाने की भी बात चल रही है। डॉक्टर साहब का कहना है कि तेजस्वी चाहते हैं कि नीतीश से पीछा छूट जाए, लेकिन नीतीश कुमार वो बैताल हैं, जब तक अपना कहा मनवाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है? बैताल हैं, जंजाल हैं, लेकिन कहावत भी तो है ना कि कंगाल से जंजाल बढ़िया। लेकिन ये जंजाल बड़ा भारी पड़ रहा है। भाजपा एक सवाल पूछ रही है बार बार तेजस्वी यादव से कि नीतीश कुमार के पीछे क्यों चल रहे हैं आप, आपके ज़्यादा विधायक हैं, आपके पास बड़ा जनाधार है, नीतीश कुमार आपके मंत्री तोड़ देते हैं, आपके विधायक को सीट छीन लेते हैं, आप सब मान जा रहे हैं, जगदानंद सिंह के साथ जो हुआ, सुधाकर सिंह के साथ जो हुआ, कार्तिक सिंह के साथ जो हुआ, क्यों अपना जनाधार आप घसका रहे हैं, क्यों नीतीश के लिए इतना सह रहे हैं, क्या है नीतीश कुमार में, धोखा तो दिया था आपको 17 में। तो ये सारी बातों का जवाब यही है कि कंगाल से जंजाल बढ़िया है, लेकिन एक समय बाद एहसास होता है कि जंजाल भी अच्छा नहीं है। कंगाल तेजस्वी ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। जिसके पास बिहार में सबसे जनाधार है तेजस्वी यादव के पास, वो बिहार में आज नहीं तो कल मालामाल होंगे। बात जहां तक है तो कंगाल जंजाल है नीतीश कुमार, जंजाल भी है, कंगाल भी नीतीश कुमार, ना उनका वोट बैंक है, ना उनका वोट बैंक है, ना वो आराम से रहने दे रहे हैं। जहाँ भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जा रहे हैं, कोई उद्घाटन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो कुछ हो रहा है, कोई भी बड़ा परियोजना, हर जगह नीतीश कुमार का नाम छप रहा है। तेजस्वी यादव को जैसे साइड कर दिया जा रहा है। नीतीश कुमार भी पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि तेजस्वी अपनी तरह से सरकार न चला सके। जी देखिए, सरकार में कोई भी उपलब्धि होगी तो नीतीश कुमार को क्रेडिट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, पूरा जदयू लग जाती है उसमें। कुछ गलत होता है तो मीडिया सवाल किससे पूछ रही है? तेजस्वी से, नीतीश से नहीं पूछ रही है। नीतीश से पूछने वाले लोगों का क्या हो रहा है? माइक लेके जाइए, भागो भागो जल्दी, संपादक को, संपादकों को दस गया जी। अब बताइए, ऐसा पत्रकारिता करने का क्या फायदा कि कोई आपको गरी आ दे? नौकरी थोड़ी कर रहे हैं कि सैलरी ले रहे हैं का जी, का ऐसा आपको गलत हो रहा है जी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो खबर चलाइए और ऐसे नेता को नंगा कर दीजिए जी। लेकिन आपसे होगा नहीं, कुछ लोग बोल रहा है कमेंट में आके। खैर छोड़िए सब बात, अननेसेसरी बात है सब। मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ रहना तो चाहते हैं क्योंकि फिलहाल उनके पास उतने विधायक नहीं कि वो सरकार बना ले अपने दम पर जी। लेकिन कल परसों परिस्थितियाँ बदलेंगी, तो जब आप कंगाल होते हैं तो जंजाल लेके घूमते हैं, जब मालामाल होते हैं तो सबको साइड करते हैं, सबसे पहले जंजाल को साइड करते हैं। कुर्नी सीट जो है वो राजद की सीट थी जी, निश्चित तौर पर वहाँ तेजस्वी चुनाव लड़ना चाहते थे जी। जदयू ने जिन परिस्थितियों में सीट को छीना है आप भी जानते हैं जी, कहीं ना कहीं इन सारी सीटों पर जीत कर तेजस्वी यादव मजबूत होते जी। इतने मजबूत होते कि शायद आने वाले समय में नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे भी नीतीश कुमार जनाधार आप देख ही रहे कितने कैसे घसक रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर एक समस्या ये खड़ी हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार को ढोए क्यों तेजस्वी यादव जी। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास तेजस्वी यादव के जहन में अब शुरू हो गई है जी, कि जब नीतीश कुमार जनाधार लेके नहीं आ रहे हैं, वो स्पेस लेने नहीं दे रहे हैं तेजस्वी यादव को मीडिया में, वो फैसले लेने दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, और वो कुर्सी भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी का एक सर्टेन ब्रेक पॉइंट हर चीज़ का होता है जी। कहीं ना कहीं तो टूटेगा ये विश्वास, कहीं तो कहीं ना कहीं टूटेगा इस बात का घमंड कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अब कभी अलग नहीं होंगे जी। नीतीश पर भरोसा तो लालू यादव को नहीं है जी, लेकिन तेजस्वी यादव की मजबूरी है भरोसा करना नीतीश कुमार पर, क्योंकि उनके पास भी फिलहाल 2025 तक तो कोई ऑप्शन नहीं, नहीं है। हाँ। इस सरकार में मिडवे जो चलती बस में आप बैठे हैं तो बस जहां गंतव्य तक जाएगी वहां रुकेगी, वहीं आपको उतरना पड़ेगा जी। तो तेजस्वी के लिए जंजाल नीतीश कुमार हो गए हैं। तो ये अब स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से थोड़ा ही थोड़ा करके पीछे छुड़ाना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत उन्होंने कुर्नी चुनाव में कर दी है जी। कुर्नी चुनाव में तेजस्वी यादव का नहीं जाना क्या नीतीश के पक्ष में जा सकता है कभी? नहीं।
ऐसी कोई रणनीति तो नहीं हो सकती कि जिसके चलते तेजस्वी यादव रुक जाएंगे तो सवर्ण वोट कर देंगे नीतीश कुमार को, ऐसा तो कुछ नहीं। और वोट में कमी, और वोट में कमी आएगी क्योंकि भूमिहार जो है वो तेजस्वी यादव को अपना मानने लगे धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ कुशवाहा, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए दिन अच्छे नहीं है। और तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से मोह भंग हो जाना नीतीश के लिए सबसे बड़े खतरे की घटनी घंटी है। उनका जनाधार कम हो जाए, उनके विधायक कम हो जाए, उनकी पार्टी में टूट हो जाए, आरसीपी सिंह भाग जाए, कुशवाहा भाग जाए, ललन सिन्हा भाग जाए, ये सब चलेगा जी। लेकिन तेजस्वी की नाराजगी इस वक्त नीतीश कुमार को महाघाटा देने वाली होगी क्योंकि इसी रथ पर तेजस्वी का बैठ कर उनको पार होना है बस। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए ये मुश्किल भरा वक्त जरूर है। नीतीश कुमार जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तेजस्वी को कुर्सी को लेकर इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन नीतीश के लिए भी उससे ज़्यादा विकट परिस्थिति पैदा हो गई है। कुंडली चुनाव को देख ले, कई मामले सामने आ रहे हैं, जगदान सिंह की वापसी भी हो चुकी है, और ऐसे में नीतीश कुमार को बड़ा झटका भी लगा और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पीछा छुड़ाने को लेकर एक पर एक नए नए तरीके निकाल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कब तक तेजस्वी नीतीश एक साथ रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167 00। धन्यवाद।